हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इंटर्नशिप है इंटेल पे, लोकेशन है हैदराबाद और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बीटेक एमटेक। मैं डिटेल्स बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होता है तो मुझे जो है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंटेल आप लोग जानते ही होंगे, इंटेल जो ब्रांड है बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और फिर ग्राफिक्स आता है इसका। मींस बेसिकली आपका लैपटॉप पे आप देखिएगा इंटेल का काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर है, i5 i7 अभी करंटली चल रहा है, उसके अलावा उसका जेनरेशन का कुछ होता है और ग्राफिक्स भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली आपका बहुत ही अच्छा है कंप्यूटर वर्ल्ड पे, ठीक है, बहुत ही अच्छा कंपनी, एक हाई मतलब बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड पोजिशन पे है। आप लोग आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, मैं आप बता देता हूँ कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको बीटेक एमटेक बताया गया है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो ऐसा नहीं बताया गया कि आप कौन से ईयर में हैं तो आप कर सकते हैं या कौन से ईयर में हैं तो नहीं कर सकते। तो आप जिस भी ईयर्स में पढ़ते हैं, जिस भी आप सेमेस्टर में आप हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा कोई भी, क्योंकि आपको कोई चार्ज नहीं पे करना हो रहा है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर काफ़ी सारी कंपनीज इंटेल काफ़ी टाइम ऐसा भी करता है क्या, आप अगर इंटर्नशिप में अप्लाई किए, इंटर्नशिप में अप्लाई करने के बाद आपको अगर आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा होता है, मीन्स आप उस टाइम पे जो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के जिस टाइम पीरियड के लिए आपको लिया जाता है उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और जॉब अगर जॉब डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो आपका टेक्निकल पे अच्छा एक डिमांड होना चाहिए, मीन्स एक अच्छे पोजिशन पर आप रहना चाहिए। चाहे आपको कोई भी लैंग्वेज दिया जाए, चाहे पाइथन के बेसिस पे हो या जावा के बेसिस पे हो या आर लैंग्वेज या कहीं भी, अगर मशीन लर्निंग का अगर आप स्टूडेंट्स हैं और भी कई सारे लैंग्वेज हैं, आपको अच्छे आना चाहिए। साथ ही साथ यूएस का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप में और ऐसा ही कुछ। और हम लोग लोकेशन जो है प्राइमरी लोकेशन है बेंगलोर एंड अदर लोकेशन है हैदराबाद। एप्लीकेशन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे आने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आप इसको आप 16 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो इसको आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको भेजेगा अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, उसके बाद आप कौन सा कंट्री में रहते हैं आप, उसके बाद रिज्यूम आपका, एजुकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन ईयर क्या है, ठीक है, एक्सपायर ग्रेजुएशन मंथ, कौन सा मंथ में आप जो है ग्रेजुएट होंगे तो मैं अक्टूबर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। और आप ईयर है एक्सपेक्टेड ईयर ग्रेजुएशन का आपका 2020, अगर नहीं हुए हैं या 2021 में अगर होना चाहते हैं या 2022 आप किसी को फिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर करंट सीजीपीए आप जो है उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पर से बिठा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसके बाद आपको आई एग्री बटन में क्लिक करना है और तो यहाँ से काफ़ी डिटेल्स आपको ले लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो है आपको बेसिक डिटेल्स पे आता है, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या स्किल्स हैं, तो कुछ सिंपल स्टेप होगा, उसके बाद आप इसको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यही है इसका सिंपल सा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।